दोस्तों सैर करते हैं हम। ये हमारे इलाके में स्मॉल डैम्स होते हैं, जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसकी कि इसका किस तरह फ़ायदा उठाते हैं लोग हमारे बरानी इलाकों में, ये देखते हैं। ये हम डाउन स्ट्रीम पे खड़े हैं, ये आप पानी की आबशार देखें, ये डाउन स्ट्रीम पे जो ओवरफ्लो होता है पानी वो नज़र आ रहा है। ये डाउन स्ट्रीम साइड है इस स्मॉल डैम की, कैसा पुरसकून माहौल है इधर, ये देखें माशाल्लाह। अभी हम इसकी अपस्ट्रीम साइड देखते हैं, ये देखें ये डैम का बंद है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये ऊपर देखें पानी नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा नहीं है, ये पानी बहुत बहुत ऊपर तक है। यहाँ पे सिर्फ ये सामने झील नज़र आ रही है, ये देख बहुत पुरसकून जगह है। इसके दोनों साइडों पे खेत हैं, उन खेतों को इस डैम के ज़रिए पानी लगाया जाता है, देखें देखें किस तरह खूबसूरत जगह है दोनों साइडें इसकी। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि लोग पीटर इंजन के साथ कैसे पानी अपने खेतों में लगाते हैं। इधर हो गया, इसके दोनों साइडों पे खूबसूरत खेत हैं जहाँ पे गंदम वगैरह लगाई जाती है, देखें ये कुदरती डैम है, कुदरती पानी जो बारिश का होता है उसको रोक के बनाया गया है, देखें किस कदर खूबसूरत जगह है। ये सामने एक आपको पीटर इंजन नज़र आ रहा है जो कि लेफ्ट साइड पे है और लेफ्ट साइड के खेतों को पानी लगाया जाता है इससे। आगे चल के हम एक और राइट साइड पे पीटर इंजन लगाया गया है वो देखते हैं, ये देखें क्या खूबसूरत जगह है, कितना कुदरती माहौल है यहाँ पे, इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस तरह के स्मॉल डैम्स जो हैं कोटवार के इलाके में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा पीटर इंजन, वो सामने एक इस साइड पे है, ये पानी बहुत पीछे तक कई किलोमीटर तक पीछे इसका जो अपस्ट्रीम साइड है यहाँ पे मौजूद है, ये देखें किस कदर खूबसूरत माहौल है, बहुत ही कुदरती बहुत ही प्यारा।